आज की कहानी है नन्हा जी आपका बेटा आज से मेरा बेटा है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी कैसे रहूँगा मम्मी के बिना। राहुल मीनाक्षी को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ा। दिल तो मीनाक्षी का भी बहुत जोर जोर से रोने का कर रहा था लेकिन वह राहुल को संभाले या खुद रोए। सामने ही उसकी ननद बहन सहेली दोस्त या भाभी कुछ भी कह लो शांत निर्विकार भाव से सारी दुनिया को अलविदा कह कर पड़ी हुई थी। तू तो मेरा बहादुर बेटा है रोना नहीं क्योंकि लड़के होते वे बिल्कुल भी अच्छे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मीनाक्षी ने अपने आंसुओं पर किसी भी तरह से कंट्रोल करके बहुत हिम्मत करके राहुल के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा मामी जी आखिर क्या कसूर है मेरा। पहले भगवान ने पापा को अपने पास बुला लिया और अब मेरी माँ को। उसने ये भी नहीं सोचा कि आखिर मैं किसके सहारे रहूंगा। राहुल अपनी माँ के शरीर से लिपट कर बिलख बिलख कर रो रहा था। राहुल आज से तू मेरा बेटा है शायद भगवान को यही मंजूर था। मीनाक्षी ने अपना निचला होंठ दांतों से काटते हुए कसस मम्मी जी आप मुझको अपनी सत्र साया में लेगी। जैसे राहुल को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे मैं तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती लेकिन ये मेरा वादा है कि जीवन पर यह तुम्हें माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। मीनाक्षी राहुल की सुनी आँखों में जागते हुए बोली। मीनाक्षी और तमन्ना का रिश्ता भी बड़ा अजीब था। दोनों के पति नौकरी करते थे तो दोनों ही अपने अपने घरों से दूर रहती थी। दोनों के स्वभाव में इतनी ज़्यादा समानता थी कि दोनों कब एक दूसरे की पूरक बन गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे की खुशी की खातिर हर रिश्ते में बंध जाती। दोनों अक्सर ही बैठकर बातें करती कि जरूर पिछले जन्म में भी दोनों के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा तभी तो उन दोनों को अलग अलग प्राप्त की होते हुए भी मिलाया। दोनों के पति की भी आपस में बहुत अच्छी जमती। मीनाक्षी के एक बेटी थी और तमन्ना के एक बेटा राहुल। तमन्ना मीनाक्षी को भाभी कहती और मीनाक्षी तमन्ना को दीदी तभी राहुल मीनाक्षी को मामी कहता और रोहित तमन्ना को बुआ। सब लोगों की जिंदगी बहुत खूबसूरत कट रही थी कि अचानक एक्सीडेंट से तमन्ना के पति भगवान को प्यारे हो गए। तमन्ना के मायके और ससुराल वालों ने बहुत कोशिश की उसको वापस ले जाने की लेकिन तमन्ना ने इसी शहर में रहकर छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और बेटे और मीनाक्षी के परिवार के सारे हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन भगवान भी जब किसी का बिगाड़ता है तो ढंग से ही बिगाड़ देता है। अभी एक महीना पहले ही तमन्ना का भी ऑफिस से आते समय भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उसके सिर पर काफ़ी चोट लग गई थी और आज सुबह ही डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया और तमन्ना भी राहुल को अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। ऐसे समय में फिर मीनाक्षी राहुल का एक सहारा बनकर खड़ी हो गई। इस बार फिर घर वालों ने राहुल को ले जाने की कोशिश की लेकिन राहुल ने दिल से मीनाक्षी को अपनी माँ स्वीकार कर लिया। आज राहुल पढ़ लिख कर
सरकारी स्कूल में टीचर बन गया, लेकिन आज भी वो मीनाक्षी के साथ ही रहता है और उसी को माँ कहता है। रूही तो ब्याह कर ससुराल चली गई और रौली मीनाक्षी और उसके पति के बुढ़ापे का सहारा बन गया। कभी कभी खून के रिश्ते ना होते हुए भी इतने खूबसूरत रिश्ता का ताना बाना बन जाता है कि व्यक्ति उन रिश्तों को बहुत खूबसूरती से निभा ले जाता है, जैसे कि राहुल और मीनाक्षी का।